फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं EY अकेडमी। फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और यहां पर हम आपको पर डे यहां पर 9th 10th 11th और 12th के जो इंग्लिश के जो वीडियोस हैं वो आपको यहां पर उपलब्ध कराते हैं। उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करते हैं और जो ग्रामर वगैरह है उसको भी हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स वीडियो है ये है 11th क्लास का। यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं MP बोर्ड के, तो ये जनरल इंग्लिश का 8th लेसन है ईदगाह। इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और जैसा आप जानते हैं कि इसके पहले दो पार्ट हमने बनाए हैं और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हैप्पी शी विल बी इफ ही बाइज ए पेयर ऑफ टंग्स ऑफ हर, तो वह बहुत खुश होगी यदि मैं उसके लिए एक दादी के लिए यदि मैं टोंग्स खरीद लेता हूँ, चिमटा खरीद लेता हूँ। देयर विल बी वन यूजफुल थिंग इन द हाउस, तो घर में एक उपयोगी चीज़ हो जाएगी। टॉयज आर वर्थलेस इन कंपेरिजन ऑन टू इट, खिलौने इसकी तुलना में ना काफ़ी हैं, यानी कि खिलौने जो होते हैं वो इसकी तुलना में बेकार हैं। यू टायर ऑफ देम एंड दे गेट ब्रोकन, वे समय के साथ ख़त्म हो जाएंगे एंड दे गेट ब्रोकन या टूट जाएंगे। हामिद लुक्स एट हिज फ्रेंड्स हु आर ऑल ड्रिंकिंग शरबत एट नियर बाई स्टॉल। हामिद अपने दोस्तों की तरफ देखता है हु आर ऑल ड्रिंकिंग शरबत, जो सभी शरबत पी रहे हैं पास के एक के दुकान में। हाउ ग्रीडी दे आर, वे कितने लालची हैं। They have eaten so many sweets, उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली हैं। And not even given me one, और मुझे एक भी नहीं दी है। And then they say, और वे कहते हैं play with us, हमारे साथ खेलो। Do this for us, हमारे लिए ये करो। Do that for us, हमारे लिए वो करो। Now, अब I will see how anyone ask me to do anything, और अब मैं देखूँगा कि कोई मुझसे कुछ करने के लिए कहता है, कैसे कहता है। लेट देम ईट देयर स्वीट्स, उनको मिठाइयाँ खाने दो। दे विल ब्रेक आउट इन बॉयल्स एंड पिम्पल्स, उनको ही फोड़े और फुंसी होंगे, आई वॉन्ट, मुझे नहीं होंगे। यहाँ पर ये मान्यता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा मिठाई या जो स्वीट्स खाता है उनको फोड़े फुंसी होते हैं, तो इसलिए जो हामिद है वो कहता है कि उनको मिठाइयाँ खाने दो, उनको ही फोड़े फुंसी होंगे, मुझे नहीं होंगे। आगे देखें, व्हेन अम्मा सीज द चिमटा, जब अम्मा चिमटा देखेगी। आई हैव वॉट फॉर हर, कि मैंने उसके लिए ख़रीदा है। सी विल शॉवर मी विथ 1000 ब्लेसिंग्स, तो मुझ पर हजारों दुआओं की बौछार कर देगी। सी विल रन, वह दौड़ेगी। एंड शो द चिमटा टू अवर नेबर्स, और अपने पड़ोसियों को चिमटा दिखाएगी। द होल विलेज विल टॉक अबाउट इट, गांव के सभी लोग, पूरा गांव इसके बारे में बात करेगा। एवरीवन से, हर कोई कहेगा व्हाट अ गुड बॉय हामिद, कि हामिद कितना अच्छा लड़का है। इफ दीज बॉयज वॉन्ट टू लाफ एट मी, यदि ये लड़के मेरे ऊपर हंसते हैं फॉर बाइंग ए चिमटा खरीदने पर, यदि ये जो लड़के हैं मेरे ऊपर हंसते हैं, लेट देम, तो उन्हें हंसने दो। लेट देम का मतलब उन्हें हंसने दो। व्हेन अब्बा जान एंड अम्मी कम विथ लॉट्स ऑफ टॉयज एंड स्वीट्स, जब अब्बा जान और अम्मी लॉट्स ऑफ टॉयज के साथ में आएंगे, ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आएंगे। देन आई विल बी वन हु विल लाफ, तो मैं उनमें से एक होऊंगा जो मैं हंसूंगा इन लोगों पर। हामिद आस्क द शॉपकीपर, हामिद शॉपकीपर जो दुकानदार से पूछता है, हाउ मच इज दिस चिमटा, ये चिमटा कितने का है। 6 पैसे, सीज रिप्लाइज, तो दुकानदार बोलता है 6 पैसे का। हामिद हार्ट सिंक्स, हामिद का जो दिल है वो डूब जाता है। बट ही सेज बोल्डली, लेकिन वह निर्भीकता से बोलता है, बहादुरी से बोलता है, 3 पैसे, टेक इट एंड लीव इट, 3 पैसे लो, टेक इट, ये लो और इसे छोड़ो। टू हिज सरप्राइज, आश्चर्य से, द शॉपकीपर गिव्स द चिमटा टू हिम, दुकानदार उसको चिमटा दे देता है। हामिद स्ट्रट्स अप हिज फ्रेंड्स विद द चिमटा ऑन हिज शोल्जर्स।
हामिद अकड़कर चिमटा को अपने कंधे पर रखकर अपने मित्रों के पास में पहुंचता है चिमटे के साथ। स्ट्रट्स मींस होता है अकड़कर चलना। व्हाट विल यू डू विथ दिस, तुम इसका क्या करोगे? यू फूल, तुम मूर्ख हो, लाप्स मोहसिन। मोहसिन ने हंसते हुए कहा कि तुम इसका क्या करोगे, तुम मूर्ख हो। हामिद फ्लिंग्स हिज टंग ऑन द ग्राउंड, हामिद ने अपना जो चिमटा है उसको तुरंत जमीन में फेंक दिया। एंड चैलेंजेज मोहसिन टू थ्रो डाउन हिज क्ले वाटर कैरियर इन द सेमी, और हामिद ने मोहसिन को चैलेंज किया, चुनौती दी कि वो भी अपने जो वाटर कैरियर है जो भेजती है उसको भी इसी तरह जमीन में फेंक के देखे। मोहसिन कैन नॉट, मोहसिन ऐसा नहीं कर सकता, द टॉय विल ब्रेक, क्योंकि जो उसका खिलौना है वो टूट जाएगा। डू यू थिंक दिस चिमटा इज सम काइंड ऑफ टॉय, स्नियर्स महमूद। महमूद उसको चिढ़ाते हुए मस्खरी करते हुए कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि चिमटा एक तरह का खिलौना है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, सेज हामिद। हामिद कहता है क्यों नहीं। पुट इट ऑन योर सोल्जर, पुट इट ऑन योर सोल्जर, इसे अपने कंधे में रखो, इट बिकम्स ए गन, तो यह एक गन बन जाएगा। होल्ड इट इन योर हैंड, और इसे अपने हाथ में पकड़ लो, इट बिकम्स द टंग्स सिंगिंग फकीर्स यूज इंस्टीड ऑफ सिंबल्स, तो यह फकीरों का, जो साधुओं का, जो गाना गाने का जो टंग होता है, जो मंजीरा होता है, वो बन जाएगा, सिंबल्स में होता है मंजीरा। वन हिट फ्रॉम माई चिमटा, एक चिमटा किसी पे छोड़ दो, मार दो, एंड ऑल योर टॉयज विल ब्रेक, तो आप तुम्हारे जो जितने भी खिलौने हैं वो सब टूट जाएंगे। बट नन ऑफ देम कैन हार्म माई लायन हार्टेड वॉरियर, लेकिन मेरे शेर दिल योद्धा को कोई भी तुम्हारा खिलौना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे देखें, समी इज इम्प्रेस्ड, समी जो है वो प्रभावित होती है। ही ऑफर्स टू एक्सचेंज द तंबूरिन ही बॉट फॉर 8 पैसे विद हामिद्स टंग्स। ही ऑफर्स टू एक्सचेंज द तंबूरिन, वह जो उसने ढफली ली हुई है वो उसको, ही बॉट फॉर 8 पैसे, जो उसने 8 पैसे में खरीदी है, विद हामिद्स टंग्स, वह हामिद के जो चमीटा है, जो चिमटा है, उससे बदलने के लिए तैयार हो जाती है, ऑफर करती है। बट हामिद रिफ्यूज, लेकिन रिफ्यूजेस, हामिद मना कर देता है। हिज टंग्स हैज फैसिनेटेड ऑल द बॉयज, हिज टंग्स, उसके जो चिमटा है उसने सभी बच्चों को प्रभावित किया है। बट व्हाट कैन दे डू, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। दे हैव नो मनी लेफ्ट, उनके पास में कोई पैसा नहीं बचा है। एंड एनीवे इट इज़ टाइम टू रिटर्न होम, और अब घर जाने का भी समय हो गया है। हामिद इज ए क्लीवर फेलो, हामिद एक अच्छा लड़का है। नाउ हिज फ्रेंड्स नाउ व्हाई ही डिडंट स्पेंड हिज मनी अर्लियर, अब उसके जो मित्र हैं, हिज फ्रेंड्स नो, उनको मालूम पड़ा है व्हाई ही डिडंट स्पेंड हिज मनी अर्लियर, कि उसने पहले अपने रुपयों को खर्च क्यों नहीं किया। योर चिमटा कांट फिल वाटर लाइक माई वाटर कैरियर कैन, सेज मोहसिन डेस्परेटली ट्राइंग टू रिगेन हिज सुपेरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता को पुनः प्राप्त करने के लिए मोहसिन निराश भाव से कहता है, डेस्परेटली ट्राइंग, निराश भाव, निराश होते हुए कहता है, योर चिमटा कांट फिल वाटर, तुम्हारा जो चिमटा है वो मेरे वाटर कैरियर की भांति पानी नहीं भर सकता। वन शॉट फ्रॉम ऑल टोंग्स एंड योर वाटर कैरियर विल कम रनिंग टू हिज टू एसर्ट्स हामिद, तब हामिद कहता है कि वन शॉट फ्रॉम माई टोंग्स, अगर मैं एक चिमटा मारूंगा एंड योर वाटर कैरियर, तो तुम्हारा जो वाटर कैरियर है भिस्ती, विल कम रनिंग, दौड़कर मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा, हामिद कहता है। मोहसिन हैज़ नो आंसर, मोहसिन के पास में कोई उत्तर नहीं है। मोहसिन कम्स टू हिज रेस्क्यू, महमूद कम्स टू हिज रेस्क्यू, तब महमूद उसके बचाव में आता है। व्हाट इफ वी गेट कॉट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यदि हमें कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया गया, वी विल डेफिनेटली नीड नूरीज लॉयर देन, तब हमें नूरी के जो वकील है उसकी आवश्यकता पड़ेगी निश्चित रूप से। फॉर ए मोमेंट हामिद नॉन प्लस्ड, कुछ क्षण के लिए हामिद निरुत्तर हो गया, नॉन प्लस्ड मीन्स होता है निरुत्तर हो जाना या घबरा जाना। देन ही सेज, तब उसने कहा, तब वह कहता है, बट हु विल अरेस्ट अस, लेकिन हमें कौन पकड़ेगा,
महमूद से सोल्जर्स वेल, महमूद का सिपाही, सेज नूरी कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से नूरी कहती है, दैट पुअर क्रीचर, बेचारा सोल्जर या बेचारा प्राणी, हामिद टोन इज स्कॉर्नफुल, हामिद गुस्से में कहता है, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है गुस्से में, कम ऑन देन लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर, चलो आओ देखते हैं कौन ज़्यादा मजबूत है, माई चिमटा और महमूद सोल्जर्स, या मेरा जो चिमटा है वो ज़्यादा मजबूत है या महमूद का जो सिपाही है वो। महमूद इज डिफीटेड बट ही ट्राइज अगेन, महमूद हार गया है, हार जाता है लेकिन वह दोबारा प्रयास करता है, योर चिमटा विल बर्न हिज फेस इन द फायर एवरी डे, वो कहता है तुम्हारा जो चिमटा है वो प्रतिदिन जलेगा आग में, ही जियर्स एट हामिद, वह हामिद को चिढ़ाता है, जियर्स मीन्स होता है चिढ़ाना, सो व्हाट, तो क्या, सेज हामिद प्रॉम्प्टली, तुरंत हामिद बोलता है, ओनली द करेजियस कैन जंप इनटू ए फायर, जो साहसी होते हैं वही आग में कूदते हैं, योर टॉयज विल हाइड इन द हाउस, तुम्हारे जो खिलौने हैं वो घर में ही छिपे रहेंगे, महमूद ट्राइज अगेन, महमूद दोबारा प्रयास करता है, योर लायर्स विल सिट इन स्टाइल ऑन ए चेयर, आवर लायर विल सिट इन स्टाइल ऑन ए चेयर, यहाँ पर कहता है कि हमारा जो वकील है वो कुर्सी में स्टाइल में बैठेगा, योर टोंग्स विल ओनली लाई ऑन द किचन फ्लोर, और तुम्हारा जो चमीटा है, जो चिमटा है वो किचन की जो रसोई का जो फर्श है उसी में पड़ा रहेगा, माई टंग्स वॉन्ट लाई ऑन द फ्लोर, दे विल नॉक योर लायर डाउन एंड स्टफ हिज ला डाउन हिज थ्रोट, तब वो कहता है कि मेरा जो चिमटा है वो फर्श में नहीं पड़ा रहेगा, दे विल नॉक योर लायर डाउन, अगर मैं तुम्हारे इस लायर को एक छोड़ दूँ चिमटा तो नीचे गिर जाएगा, एंड स्टफ हिज ला डाउन हिज थ्रोट, और उसका जो कानून है ना पूरा उसके मुंह में घुस जाएगा, हामिद्स रिजॉइंडर इज रेदर विल्ड बट समहाउ इट क्लियर्स द फील्ड ऑफ फॉर हिम, हामिद्स का जो इस तरह का आनंद लेने का जो तरीका है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है, लेकिन उससे वह अपना मैदान साफ कर लेता है दोस्तों के बीच में, नाउ नो वन हैज एनीथिंग टू से, अब किसी के पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं है, हामिद्स चिमटा इज अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन, और हामिद का जो चिमटा है वो निर्विवाद रूप से चैम्पियन है, आगे देखें, द बॉयज आर एंग्जियस टू हैंडल द चैम्पियन, बच्चे चैम्पियन को नियंत्रित करने में एंग्जियस हैं, एंग्जियस का मतलब होता है हतोत्साहित, चिंतित हैं, इन एक्सचेंज दे ऑफर देयर टॉयज टू हामिद फॉर हिज एग्जामिनेशन, परीक्षण के लिए वे हामिद से जो चिमटा है वो अपने खिलौने से बदलने के लिए पेशकश करते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल टॉयज दे आर, और वो कहते हैं कितने सुंदर खिलौने हैं, आई वॉज ओनली पुलिंग योर लेग, सेज हामिद, तब हामिद कहता है कि मैं केवल तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ, हाउ कैन ए पेयर ऑफ टंग्स, कि एक चिमटा कैसे कंपेयर विथ सच लाइफ, एक जीवित लाइक ट्वेज खिलौने से तुलना कैसे हो सकती है, अगेन बट द बॉयज आर नॉट कन्विंस, लेकिन जो बच्चे हैं वो नहीं मानते हैं, नो वन, कोई भी, नॉट इवन हामिद, यहाँ तक कि हामिद भी नहीं मानता, कैन नाउ चैलेंज द सुपीरियरिटी ऑफ द टंग्स, क्या कोई इसकी जो श्रेष्ठता है टोंग्स की, जो चिमटा की जो जिसे हम चिमटा कहते हैं, चिमटा भी बोलते हैं, उसकी जो श्रेष्ठता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऑन द वे होम, रास्ते में, ऑन द वे होम महमूद फील्स हंग्री, महमूद भूख महसूस करता है, हिज फादर बाइज हिम बनानाज, उसके पिता उसको केले खरीदते हैं, ही शेयर्स देम ओनली विथ हामिद, और महमूद केवल हामिद के साथ में केले शेयर करता है, यानी कि उसको भी खिलाता है, इट इज 11 o'clock, 11 बज चुके हैं, दोज हु वेंट टू द ईदगाह हैव जस्ट रिटर्न, जो लोग ईदगाह गए थे वो वापस आ चुके हैं, द विलेज इज एगॉक विथ एक्साइटमेंट, पूरा गाँव
उत्तेजना में सजा हुआ है, यानी कि खुशी में सजा हुआ है। मोहसिन्स यंगर सिस्टर रन्स टू हिम, मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर उसके पास आती है एंड ग्रैब द वाटर कैरियर फ्रॉम हिज हैंड, और उसके हाथ से जो भेजती है वाटर कैरियर है वो ले लेती है। एज सी जम्प्स विद जॉय, और खुशी में वह चिटकती है, द टॉय स्लिप्स फ्रॉम हर ग्रास्प, और उसकी पकड़ से, ग्रास्प मीन्स होता है पकड़, स्लिप्स मीन्स होता है स्लिप फिसल जाना, तो जो खिलौना है जो भेजती है उसकी पकड़ से फिसल जाता है, फॉल्स एंड ब्रेक्स इन टू पीसेस पीसेस, और टुकड़े टुकड़े उसके हो जाते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर कम टू ब्लोज, भाई और बहन के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। बोथ हॉलो, दोनों शोर मचाते हैं, बोथ आर स्मैक्ड बाई देयर एंग्री मदर, दोनों को गुस्सैल माँ के द्वारा चुप कराया जाता है, स्मैक मींस होता है चुप कराना। आगे देखें, नूरी फिक्सेस ए सीट फॉर हिज लायर, नूरी अपने वकील के लिए एक सीट, एक कुर्सी सजाती है, सीट्स हिम ऑन इट, और उस पर बिठाती है, एंड फैंस हिम विथ ए बम्बू लीफ, और जो बम्बू लीफ बांस की जो पत्ती का बना हुआ जो फैन है पंखा है उसे हवा करती है। इज इट ए गस्ट ऑफ विंड, हो सकता है हवा का झोंका हो, या ए ब्लो फ्रॉम द फैन, या फिर पंखे का एक धक्का, दैट थ्रोज द लॉयर टू द ग्राउंड, जिससे जो वकील है वो ज़मीन में गिर जाता है, दैट इज द एंड ऑफ हिम, और यही पर उसका अंत भी हो जाता है। महमूद सोल्जर्स सर्वाइव्स, महमूद का जो सिपाही है वो जीवित रहता है, बट मैनेजेस टू ब्रेक ए लेग व्हाइल गार्डिंग द विलेज, लेकिन गांव की सुरक्षा करते समय उसका पैर टूट जाता है। महमूद ब्रेक्स हिज अदर लेग सो दैट द पुअर मैन कैन एट लीस्ट सिट एंड डू हिज ड्यूटी इन कम्फर्ट, तो महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है ताकि गरीब ये गरीब सिपाही बैठ कर अपनी पूरी ड्यूटी आराम से कर सके, क्योंकि एक पैर से वो नहीं बैठ सकता है, इसीलिए उसने दूसरा पैर भी तोड़ दिया है। हामिद्स ग्रैंड मदर अमीना रन्स टू हिम एज सून एज ही हियर्स हिज वॉइस, हामिद की दादी को जैसे ही उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ग्रैंड मदर अमीना रन्स टू हिम, तो दौड़ कर वह आती है एंड टेक्स हिम लवली हर लैप, अपनी गोद में बिठाती है। सी स्टार्टेड टू सी द टोंग्स, सी स्टार्टेड टू सी द टोंग्स, उसके हाथों में चमेटा देखकर वह आश्चर्यचकित होती है, स्टार्टल मीन्स होता है अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। हामिद टेल्स हर ही बॉट द टोंग्स फॉर 3 पैसे, हामिद उसको बताता है कि ये जो चिमटा है उसने 3 पैसे में ख़रीदा है। व्हाट ए पिकुलर चाइल्ड, कितना अजीब बालक है, कितना अजीब बच्चा है। ही रिमेंड हंगरी एंड थर्स्टी, वह द होल मॉर्निंग, वह पूरी सुबह भूखा और प्यासा रहा। एंड ऑल ही कुड फाइंड टू बाई वाज ए पेयर ऑफ टंग्स, और सब कुछ छोड़कर उसे केवल एक चमीटा खरीदने को मिला है। सी अप ब्रेड्स हेम फॉर हिज फुलसनेस, वह उसकी मूर्खता पर उसको डांटती है, अप ब्रेड्स मीन्स होता है डांटना। हामिद फील्स फीलिंग्स आर हर्ट, हामिद के जो एहसास हैं वो टूटने लगते हैं, यानी कि उसका जो दिल है वो टूटने लगता है, टूट जाता है। इन एन इंजर्ड वॉइस, और उसी अवस्था में वह कहता है, एवरी डे यू बर्न योर फिंगर्स व्हाइल मेकिंग चपाती, प्रतिदिन जब तुम चपाती बनाते हो तो अपनी उंगलियों को जला लेती हो, दैट्स वाई आई बॉट द चिमटा फॉर यू, इसी कारण मैंने ये चिमटा तुम्हारे लिए ख़रीदा है। अमीना जेनोरेंस मेल्ट्स इनटू लव, अमीना का जो गुस्सा है मेल्ट्स इनटू लव, वो प्यार में बदल जाता है। ए लव सो डीप, इतने गहरे प्यार में, दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। टू थिंक दैट ए लिटिल चाइल्ड कुड बी सो सेल्फलेस, यह सोचना कि एक छोटा बालक कैसे इतना निस्वार्थ हो सकता है, सो जनरस, इतना उदार हो सकता है, जनरस मीन्स होता है उदार होना। हाउ मस्ट ही हैव फेल्ट व्हेन ही सा हिज फ्रेंड्स एंजॉयिंग देमसेल्व्स, उसे कैसा महसूस हुआ होगा व्हेन ही सा, जब उसने अपने मित्रों को आनंद करते हुए देखा होगा एक दूसरे में। इन दिस मिस्ट ऑफ ऑल दैट फेस्टिविटी, इस त्यौहार के बीच में, ही स्टिल थॉट ऑफ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, उसे पूरे दिन अपनी दादी की ही याद आती रही। अमीना ब्रेक्स डाउन एंड वीप्स, अमीना का दिल अमीना टूट गई एंड रोने लगी। इट इज स्ट्रेंज, कितना अजीब है। हामिद द लिटिल बॉय हैड बिकम हामिद द एडल्ट,
यहाँ पर दादी कह रही है कि एक छोटा बच्चा आज एक बुजुर्ग बन गया है, नाउ अमीना द ओल्ड वुमैन, और अब जो अमीना जो एक वृद्ध स्त्री है वो एक बच्ची बन गई है, बच्ची अमीना बन गई है। टीयर्स फॉल अनसीजनिंगली, उसके आंसू लगातार बह रहे हैं, फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से। एज सी ब्लेस्ड हामिद 1000 times, और वह अपने हामिद को हजारों बार दुआएं देती है। लिटिल हामिद, लेकिन छोटा हामिद, हाउ कैन ही अंडरस्टैंड द स्टॉर्म ऑफ इमोशंस इन अमीनाज हार्ट, अमीना के हृदय की भावनाओं का जो तूफान है उसको कैसे समझ सकता है। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि इस तरह से आपका ये जो लेसन है पूरा कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी बड़ा लेसन है, इसलिए हमें इसके 2 से 3 पार्ट बनाने पड़े हैं, और मेरा मानना है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हमें कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट के माध्यम से हमें लिख भेजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।